सर्व सुविधा युक्त अनुभवी ट्रेनरों के साथ जेंट्स एंड लेडीज सनशाइन जिम हमारा पता है मलैया मैरिज गार्डन राजघाट रोड तिलीवाट सागर मध्य प्रदेश। बीती रात सागर की उपनगरीय मकरोनिया में गोली चलने की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना रात्रि करीब 9:30 की बताई जा रही है। गोली लगने से एक युवक के पैर में गंभीर चोट आई है। जानकारी कहती है कि दीपक तिवारी नाम का युवक मकरोनिया चौराहा स्थित अपनी स्वीट की दुकान बंद कर अपने घर की ओर जा रहा था, तभी बड़ौदा बैंक के पास अज्ञात लोगों में से किसी ने फायर कर दिया, जिसमें दीपक के पैर में गोली लग गई और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दीपक ने अपने दोस्तों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दीपक के दोस्त उसे एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहाँ से उसे बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घायल की माने तो उसकी किसी से भी कोई आपसी दुश्मनी या रंजिश नहीं है और ना ही वह फायर करने वालों को जानता है। फिलहाल घायल ने मकरोनिया थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जहां पुलिस फायर करने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। गोली स्वीट्स शॉप मेरी है, मिठाई की दुकान मकरोनी चौराहे पे, क्या बोलते सतनाम सिंह नर्सिंग होम के सामने। अब भैया मैं शॉप बंद करके 9:30 की बात है, ये 9:30 की बात शॉप बंद करके जा रहा था मैं, तो मैं क्या बोलते हैं मेरे पास मेरे पापा का फ़ोन आया, पापा ने बोला दुकान बंद कर दी, मैंने कहा बंद कर दी बस आ ही रहा हूँ। तो मैं पहुँचा था बैंक बड़ौदा के यहाँ पे, बैंक बड़ौदा के यहाँ मेरी गाड़ी थी 5-10 की स्पीड में, तो मैंने फ़ोन रखा जेब में और फिर मैं जैसे ही आगे बढ़ा तो मेरे को आवाज़ आई, जैसे पिस्टन की आवाज़ आती है ना ऐसी आवाज़ आई, और मेरे पाँव में बहुत तेज़ से पेन हुआ, जैसे किसी ने स्टील का बैट मार दिया बहुत भर बल्ले की ताकत से। उसके बाद फिर मैंने गाड़ी रोकी बलिया के सामने, मैंने देखा यार मेरे को खून आ रहा है, फिर मैंने जस्ट क्या बोलते पैंट उठा के देखा तो पैंट में भूल था, और फिर मेरे को यहाँ फील हुआ कि कुछ यहाँ पर यार अंदर फंस गया। फिर जैसे ही मैंने गाड़ी रोकी फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया आनंद ठाकुर को, आनंद आया मेरे पास, आनंद ने बोला भाई क्या हो गया, मैंने बताया भाई को ऐसी घटना। फिर हम लोग गए शुभम शूज़ पे, जहाँ से पूरी फायर हुई थी शुभम शूज़ और चौबे म्यूज़िक के, मतलब वहाँ पे आदमी लोग बैठे थे, 4-5 कार खड़ी थी, वहीं की बात है, ये स्पॉट वही था। कौन लोग थे, इनको जानते हैं आप? लोगों को तो मैं क्या बोलते हैं मतलब वहाँ पे 4-5 लोगों थे, मतलब बाईफेस जानता उनको मैं, ऐसे उनका नाम नहीं जानता मैं, बाईफेस जानता उनको मैं। तो क्या बोलते उन लोगों से मैंने पूछा, उसमें खाली मैं उनको जानता मैं शुभम भैया को, क्योंकि वो क्या बाजू में दुकान है मेरी, उनसे तो वो परिचित है मेरे, तो उनसे पूछा मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या आप लोगों ने फायर किया मेरे ऊपर, उन्होंने बोला भाई हमें नहीं पता। तो मैंने दो बार पूछा कि भैया फायर किया बता दो, हो सकता है कि क्या बोलते दो गिर लाके चल गई, उन्होंने कुछ बताया नहीं मेरे को। लेकिन फिर मैं पूछा दिनेश जैन के यहाँ पे, उन्होंने बोला कि भाई सीरियस केस है, आप शर्मा जी के हैं, जब शर्मा जी के यहाँ गए तो उन्होंने बोला कि ड्यू डॉक्टर ने बोला कि आपके पैर के अंदर छर्रा फंसा है, आप एक्सरे करवाएं। और उसको सागर से आदर्श दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।